हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि एक्सरसाइज 4.3 किस पर बेस्ड है और फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। इस वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन तक, मतलब जैसे एक्सरसाइज का एंड है, वो कर देंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें बताना है शो दैट द पॉइंट्स ए पॉइंट जिसके एक कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, बी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स और सी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देख सकते हैं, बिकॉज अगर वो आपको समझ नहीं आया तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। सो हमें क्या प्रूव करना है कि एक हमारे पास, मतलब हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं ए बी और सी, और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक लाइन पर ऐसे लाई करते हैं। तो अगर ये एक लाइन पर लाई करते हैं, मतलब इस ट्राइंगल, अगर हम इसे एक ट्राइंगल कंसिडर करें तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका एरिया जो है वो ज़ीरो है। सो हमें इन पॉइंट्स में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है और प्रूव करना है कि वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, तभी ये कोलिनियर प्रूव होंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ और फिर मॉड के अंदर एक्स वन वाई वन, देन एक्स टू वाई टू एंड देन एक्स थ्री वाई थ्री, लास्ट में आता है वन वन वन। अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा, आर वन में से आर टू को माइनस करूँगा और आर टू में से आर थ्री को माइनस करूँगा। मतलब पहले मैं ये करूँगा और उसके बाद ये करूँगा, ठीक है। तो हाफ ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस ए ज़ीरो, बी माइनस सी, सी माइनस बी ज़ीरो एंड सी ए प्लस बी वन, ठीक है। अब इससे मैं ए माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, इससे मैं बी माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी अपॉन टू, मॉड के अंदर वन माइनस वन ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो एंड सी ए प्लस बी वन। अब अगर मैं इस वाले कॉलम का, सी थ्री का यूज़ करके इस मैट्रिक्स को एक्सपैंड करूं, सो एक्सपैंडिंग यूजिंग सी थ्री, तो वन, क्योंकि बाकी तो जीरो प्लस जीरो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है जीरो प्लस जीरो और फिर वन प्लस में वन क्या रहेगा अंदर, उस मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। मेरे पास क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस सी अपॉन टू तो बाहर है, फिर अंदर क्या है, वन से मैंने एक्सपेंड किया है, वन माइनस वन प्लस वन और प्लस में तो जीरो प्लस जीरो होगा, ठीक है, जीरो प्लस जीरो। तो अब देखो यहाँ पे कुछ भी हो बाहर, ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस सी अपॉन टू, बट इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, वन माइनस वन प्लस वन ज़ीरो से, ये भी ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो स्क्वायर यूनिट, ज़ीरो स्क्वायर यूनिट आ गया। देयर फोर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फोर स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर के कॉमा जीरो, फोर कॉमा जीरो एंड जीरो कॉमा टू। ऊपर वाले से सिंपल है इक्वेशन, हमें बस कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में, मतलब हाफ के जीरो, फोर जीरो, जीरो टू, वन 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 और इक्वल टू किसके है, ये फोर स्क्वायर यूनिट के। अब मेरे को इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक कॉलम ऐसी है जिसमें दो जीरोज़ हैं, तो मैं कॉलम टू का यूज़ करके इसको एक्सपैंड करूँगा। बस थोड़ा ध्यान से एक्सपैंड करेंगे क्योंकि सी टू का अभी तक हमने यूज़ कभी नहीं करा एक्सपैंड करते हुए। तो देखो इस टू को तो मैं इधर भेज दूंगा, यहाँ पे एट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जीरो हम जब साइन अगर देखें तो यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो ये दोनों तो जीरो है, हमें कुछ नहीं करना। यहाँ हम टू नहीं लिखेंगे, माइनस टू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है, ये याद है ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का टू रखेंगे यहाँ पे। ये मेजर मिस्टेक हो जाती है ज़्यादातर, अगर नहीं पता होता तो। यहाँ माइनस टू रखेंगे,
एंड फिर के माइनस जीरो इज इक्वल टू एट, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, वही मैं देख रहा था कि मैंने इससे एक्सपेंड किया है तो k माइनस फोर होगा यहाँ पे, ना कि k माइनस जीरो। इस वाले रो और इस वाले कॉलम को कट करेंगे k माइनस फोर, तो k माइनस फोर इज इक्वल टू एट। k माइनस फोर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस का टू है तो उधर जाके माइनस का फोर हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। k मेरे पास आ गया जीरो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। यहाँ भी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें वही लेना है, बाकी चीज़ें चेंज है, मतलब थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं। वन वन वन, यहाँ मैं लगा दूंगा हाफ, और ये है फोर स्क्वायर यूनिट। तो इसको हम इस वाले फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके एक्सपैंड करेंगे, माइनस टू फोर माइनस के, बस यही है, बाकी सब तो जीरो जीरो है, प्लस जीरो प्लस जीरो या माइनस जीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू क्या है, एट स्क्वायर यूनिट। तो फोर माइनस के इज इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस के इज इक्वल टू माइनस एट, ये फोर उधर जाके माइनस एट हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, एट आ गई। ये समझ आया, ये प्लस का फोर उधर जाके माइनस का फोर हो जाएगा, माइनस फोर माइनस फोर माइनस एट, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई एट यूनिट्स, ठीक है। फिर अब करते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, हम दो पॉइंट्स तो हमें ये दे रखे हैं, हम तीसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, लेट द थर्ड पॉइंट बी एक्स कॉमा वाई। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए, अब एक लाइन का एरिया क्या होता है, जीरो, कोलिनियर में अभी हमने देखा, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लगाने वाले हैं इसमें, और इक्वल टू में हम क्या रखेंगे, जीरो। तो वन टू यहाँ वन आएगा, थ्री सिक्स यहाँ वन आएगा, और एक्स वाई यहाँ भी वन आएगा, इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी, हमें एक्स और वाई की टर्म्स में एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन, ठीक है। तो वो अब हम बनाएंगे, अब इसमें हमें कुछ सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हम कुछ भी कर लें यहाँ पे, तो थ्री माइनस एक्स सिक्स माइनस वाई ऐसे तो आएंगे, तो हम सी थ्री का यूज़ करके इसको सीधा एक्सपैंड करते हैं, ये टू इधर आके जीरो हो जाएगा। तो वन थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स माइनस वन सिक्स माइनस सिक्स प्लस वन एक्चुअली ये वाला मैंने दोबारा यहाँ पे, ये वाली चीज़ इसके लिए थी, ये वाली चीज़ जो है ये इसके लिए, तो यहाँ पे प्लस वन आएगा, और यहाँ माइनस का वन लगाएंगे इसके लिए, वाई माइनस टू एक्स, ठीक है। अब आपको ये समझ आएगा, मतलब ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, मैंने इसको देखते हुए ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया था, वो इसके लिए होगा। तो फर्स्ट के लिए ये माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, और इक्वल टू में जीरो है। तो सब मेरे को इसको सॉल्व करना है, थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स प्लस जीरो माइनस वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस सिक्स एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया, माइनस फोर एक्स। थ्री वाई माइनस वाई कितना हो गया, प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर से मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, मैंने बस साइन चेंज कर दिया क्योंकि x मोस्टली पॉजिटिव में लिखते हैं हम, और अब 2 भी कॉमन ले लो और उधर वेज तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वही हमें इक्वेशन निकालनी डिटर्मिनेंट का यूज़ करके, पॉइंट्स हैं 3.1 और 9.3। तो अब हाफ में नहीं लगा रहा क्योंकि इक्वल टू में जीरो ही जाएगा, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री वन यहाँ वन आ जाएगा, नाइन थ्री यहाँ भी वन आ जाएगा, और एक्स वाई यहाँ भी वन आ जाएगा, इक्वल टू में ज़ीरो है। अब थर्ड कॉलम का यूज़ करके एक्सपैंड कर लेते हैं, तो वन ये वाला नाइन वाई माइनस थ्री एक्स, फिर माइनस वन
थ्री वाई माइनस एक्स प्लस वन नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो नाइन वाई माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स, नाइन वाई माइनस थ्री वाई प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर टू एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, टू कॉमन ले लो तो एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस 2 माइनस सिक्स 5 4 एंड के 4 देन के इज, तो मतलब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो करते हैं जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था वैसे ही, 2 माइनस सिक्स एंड 1 5 4 एंड 1 के 4 एंड 1 इक्वल टू में है 35, यहाँ पे है हाफ। अब इस हाफ को तो हम वहाँ ले जाएंगे, मैं इसको C3 का यूज़ करके एक्सपैंड कर देता हूँ। तो 1 8 प्लस 30, प्लस क्यों आए क्योंकि माइनस सिक्स इंटू फाइव माइनस 30 होता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस होता है तो प्लस। माइनस 1 6 ये इसके लिए था, ये थर्ड पार्ट के लिए था। अब ये सेकंड वाले के लिए माइनस 1 8 प्लस 6 के, अगेन प्लस 6 के क्यों है क्योंकि ये माइनस का 6 है, माइनस ऑलरेडी होता है तो प्लस का 6 के, 8 प्लस 6 के, ये था सेकंड वाला। ये इसके लिए था, ये इसके लिए है। अब लास्ट प्लस इसके लिए होगा 20 माइनस 4 के इक्वल्स में क्या है 35 टू द 70। तो 38 माइनस 8 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इज इक्वल टू 70। तो 38 माइनस 8 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 10 के इज इक्वल टू 70। मतलब कि माइनस 10 के इज इक्वल टू 20 और k की वैल्यू क्या आ गई माइनस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, के की वैल्यू क्या है माइनस 2। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।